दोस्तों अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में सीडीसी कैसे क्रिएट करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सीडीसी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। दोस्तों विंडोज सर्वर 2019 में हम लोग सीडीसी किस पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं इसे डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर आपके सामने एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूं। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और नेटवर्क की इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और डीसी मशीन पर दोस्तों मैंने 1000 यूजर्स ग्रुप्स और ओयू क्रिएट किए हुए हैं। अब इन सभी डोमेन ऑब्जेक्ट को या फिर इन सभी यूजर्स को ये डीसी मशीन सक्सेसफुली सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बिंदास तरीके से हमारा डोमेन इन्वायरमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। अब मान लीजिए दोस्तों एक नई कंडीशन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए मलिक डोमेन के अंदर नेटवर्क एक्सटेंड किया जाता है और मलिक डोमेन में ही मान लीजिए 300 यूजर्स और क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि डीसी मशीन पर 300 यूजर्स और क्रिएट किए जाते हैं। अब पहले जहां पर हमारी जो डीसी मशीन है वो 1000 यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, अब डीसी मशीन पर 300 यूजर्स का और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया और अब ये डीसी मशीन जो है टोटल 1300 यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फिर कुछ टाइम के बाद हमारी डीसी मशीन पर नेटवर्क एक्सटेंड किया जाता है और 200 यूजर्स और क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों कहने का मीनिंग यह है कि डीसी मशीन पर कंटिन्यू बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर पहले डीसी मशीन केवल 1000 यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, अब हमारी डीसी मशीन पर कंटिन्यू बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी डीसी मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो दोस्तों कंटिन्यू डाउन होती चली जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क की किसी भी एक अनदर मशीन पर, यानी कि डीसी मशीन के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग नेटवर्क की किसी भी एक मशीन पर सीडीसी क्रिएट करते हैं। सीडीसी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। दोस्तों चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का बेनिफिट ये होता है कि जो आप डीसी मशीन पर एक्स्ट्रा यूजर क्रिएट कर रहे हो उन एक्स्ट्रा यूजर्स का बर्डन आप डीसी मशीन पर ना डाल के उन यूजर्स का एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो आप सीडीसी मशीन पर प्रोवाइड करो, यानी कि ये जो आप 300 यूजर और 200 यूजर डीसी मशीन पर क्रिएट कर रहे थे आप उन्हें डीसी मशीन पर क्रिएट ना करके आप उन्हें सीडीसी मशीन पर क्रिएट करो। जैसे कि 300 यूजर प्लस 200 यूजर, यानी कि उन 500 यूजर्स का बर्डन आप डीसी मशीन पर ना डाल के आप सीडीसी मशीन पर वो 500 यूजर क्रिएट करो। यानी कि इस कंडीशन में हमारी जो डीसी मशीन है वो केवल 1000 यूजर्स को ही सर्विस प्रोवाइड करेगी। जो एक्स्ट्रा 500 यूजर्स क्रिएट किए गए हैं इन 500 यूजर्स को हमारी सीडीसी मशीन सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों सिंपल सी वर्डिंग में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सीडीसी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। दोस्तों सीडीसी जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है डीसी मशीन के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड थिंग दोस्तों, जिस तरह डीसी मशीन एडीसी और आरओडीसी के साथ अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट करती है, लेकिन दोस्तों कभी भी डीसी मशीन सीडीसी के साथ में अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट नहीं करेगी
और ना ही सीडीसी मशीन डीसी के साथ अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट करेगी। जो डीसी मशीन के पास में डोमेन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो एज इट इज डीसी मशीन पर ही रहेंगे, और जो सीडीसी मशीन पर आप डोमेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो सीडीसी मशीन पर एज इट इज अवेलेबल रहेंगे। सीडीसी और डीसी मशीन कभी भी अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट नहीं करता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब सीडीसी मशीन का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं। यहां पर दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर दो वर्चुअल मशीन यूज की हुई है। पहली है DC-2019 के नाम से और सेकंड वर्चुअल मशीन है Node-1 के नाम से। दोस्तों जिसे मैं एज अ सीडीसी यूज करूंगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों डीसी मशीन जिसका होस्ट नेम है DC-2019 और इस मशीन पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। और अगर मैं आपको यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर कंसोल ओपन करके दिखाऊं डीसी मशीन पर, दोस्तों डीसी मशीन पर मैंने केवल एक यूजर क्रिएट किया हुआ है विशेष के नाम से, ये वेरीफाई करने के लिए क्या डीसी मशीन सीडीसी के साथ अपने डेटाबेस को रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है। इतना वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले आप यहां पर डीसी मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको यही आपको बता रहा हूं कि एमसीएससी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट रखते हैं तो समझ लेना आपका 30% प्रैक्टिकल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो यहां पर मैं डीसी डीसी मशीन के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी मशीन का आईपी ही रखता हूं और डीसी मशीन के ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर के अंदर मैं सीडीसी मशीन का आईपी डिफाइन करता हूं। जस्ट ओके पर क्लिक कीजिए एंड क्लोज पर क्लिक कीजिए। इसे आप यहां पर क्लोज कर दीजिए। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम लोग नोड वन पर चलते हैं जो कि हमारी बिल्कुल फ्रेश मशीन है। दोस्तों अब नोड वन को ही मैं यहां पर एज अ सीडीसी यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करता हूं। प्रॉपर्टीज में जाकर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहां पर आपको दोस्तों सीडीसी मशीन का वही आईपी डिफाइन करना है जो आपने डीसी मशीन के अंदर ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर में डिफाइन किया है। और सीडीसी मशीन के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर मैं सीडीसी का ही आईपी रखता हूं और ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर में मैं डीसी मशीन का आईपी एड्रेस डिफाइन करता हूं। ओके पर क्लिक कीजिएगा, अगेन क्लोज पर क्लिक कर दीजिए और अगेन क्लोज पर क्लिक कीजिए और सर्वर मैनेजर की सेटिंग को एक बार रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद एक बार मैं यहां पर डीसी मशीन से सीडीसी यानी कि नोड वन की कनेक्टिविटी को एक बार वेरीफाई करता हूं। ठीक है, 100.1 कनेक्टिविटी कंफर्म करते हैं 100.1 से। ये देखिए जरा, सीडीसी मशीन जो है वो सक्सेसफुली डीसी मशीन से पिंग कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों हम लोग नोड वन वाली मशीन पर सीडीसी क्रिएट करने के लिए आपको यहां पर नोड मैनेज पर क्लिक करना है। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर आप क्लिक कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड पर ही चेक मार्क है, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप सीडीसी मशीन का होस्ट नेम, आईपी एड्रेस और सीडीसी मशीन पर हमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों रोल्स टैब आने के बाद यहां पर आपको सीडीसी इंस्टॉल करने के लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करना है, इस पे आप चेक मार्क कीजिएगा। ऐड फीचर्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहां से आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल के बारे में डिस्क्रिप्शन
यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दोस्तों चेक मार्क करना है, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों नोड वन पर भी आपको सीडीसी क्रिएट करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल ही इंस्टॉल करना है। तो बाकी हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे सीडीसी की इंस्टॉलेशन। इस वीडियो में इतना ही।